हम जानते हैं तुम्हारे मन पे क्या बीत रही है। तुम चिंता मत करो, हम सारा काम संभाल रहे हैं, घर का काम भी और बाहर का हिसाब किताब भी है। हम है ना, हम तुम्हारी सारी मुश्किलें कर देंगे 9 2 11। पहले जरा ये 23 गुना 25 तो कर लें। अरे बहू, तुम ही बताओ ना, 23 गुना 25 कितना हुआ? काका, क्या आपने क्या किया? क्या हमने क्या किया? आपने बंधुता से सवाल पूछा। हाँ तो गणित का। अरे हाँ तो हाँ काका, हम बंधुता को गणित की गलियां छोड़े अरसा हो गया काका। आप बंधुता से रसोई का रास्ता जरूर पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना कैसे बनाना चाहिए, है ना बंधुता? नहीं, खाना बनाने के अलावा भी मुझे बहुत कुछ आता है। सॉरी काका, तो बंधुता काका के सवाल का जवाब दो। कितना काका? 23 गुना 25। 23 गुना 25 कितना होता है बता दो काका को। बताओ बाबू। क्या हुआ बंधुता, भूल गई? गणित के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता, रोज। गणित कोई दातुन थोड़ी ना, जो सुबह उठे आधी नींद में यूं दांत पर लगाया और थूक दिए। नहीं ना। अरे तो क्या हो गया? अरे 23 का पहाड़ा पहाड़ से कम होता है क्या? कितना कठिन होता है, ऐसे किसी को याद रहेगा क्या? कठिन कहाँ है काका, मनोरमा तक को पता है 23 गुना 25 कितना होता है। पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन अंक गणित बेहतरीन है काका मनोरमा का। मनोरमा, जरा काका को बता दो 23 गुना 25 कितना होता है। मैं? हाँ, जवाब दूंगी मैं। तो दो जरा जवाब, कितना हुआ 23 गुना 25 बता दो मनोरमा। इसका जवाब है, इसका कुल जोड़ होता है 5। अरे कितना हुआ, मन ही मन में बोलती रहोगी या बाहर भी आने दोगी? 575। देखिए काका, अभी अभी तो सवाल पूछा था कि जवाब भी मिल गया फटाक से। हाँ तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? इसे हमारी बंधुता बहू की तरह दुर्गा स्त्रोत आते हैं क्या? चाय बना पाती है क्या हमारे लिए जैसी बंधुता बहू बनाती है? काका, मनोरमा एक कुशल गणितज्ञ है। आप ही बताइए, घर की कोई भी बहू कुशल गणितज्ञ है क्या? रॉय चौधरी खानदान में किसी भी बहू को कुशल गणितज्ञ की उपाधि मिली? मनोरमा ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करती अपने गुणों की, अपने गुण साबित करके दिखाती है। ठीक है बहू, तुम इन सब बातों को ना अपने दिल पे मत। बहू, नहीं काका, जिस बात को मैं चुभाना चाहता था वो चुभ गई है, दिल पे ले लिया है इस बात को बंधुता ने।
अच्छा हुआ हर चीज चित्र से समझाई है। सिर्फ बारूद को भरना है इसमें, इसे फिर एक सुतली से बांधना है और मानना पड़ेगा काफी अच्छी तरकीब है कमरे में किसी के आने से पहले सतर्क होने की, लेकिन थोड़ा घातक हो सकता है। ग्लास मेरे सर पर गिर सकता था। मनोरमा तुम्हें लगी तो नहीं ना? वो दरअसल होली वाले दिन संपूर्णा सासू माँ ने जो भी किया हो उसके बाद से मैं थोड़ी ज्यादा ही सतर्क रहने लगी हूँ। समझ सकता हूँ। जैसे जैसे मुहिम की तारीख पास आ रही है सतर्क रहने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। मनोरमा एक सवाल पूछूं? पूछो। जैसा कि हमारा समझौता हुआ था तुम्हारी मुहिम पूरा होते ही तुम चली जाओगी। यही पूछना था कि अगर मेरे या तुम्हारे परिवार से कोई पूछे कहाँ गई मनोरमा तो क्या कहना चाहिए मुझे? ये सवाल उठेगा ही नहीं क्योंकि तब तक मैं तुम सबसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। दूर जा चुकी होंगी मतलब? मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी मुहिम पूरी करने के बाद मुझे तुलसीपुर तो क्या बंगाल छोड़कर जाना होगा। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम्हें बिल्कुल सही लगा अनिरुद्ध, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरी इस मुहिम को पूरा करने की कीमत होगी मेरी जान, मेरी शहादत। मनोरमा मैं जानता हूँ। पर तुम जानती हो मोनिता, मनोरमा ने पूरा निबंध टाइप किया, वो भी अंग्रेजी में। टाइपराइटर पे जो मैंने उसे तोहफे में दिया ना, एक मिनट, ये देखो मोनिता, ये पूरा निबंध मनोरमा ने टाइपराइटर पे टाइप किया। क्या सुंदर निबंध लिखा है। वाह, मन कर रहा है कि मनोरमा को शाबाशी दूं इसके लिए। बहुत अच्छा लिखा है तुमने। जानती हो मोनिता, इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो तुम समझना तो दूर बोल भी नहीं सकती। वेरी गुड मनोरमा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये क्या बोल रहे हो खुद के लिखे निबंध को मेरा बता रहे हो, और अगर मोनिता ने पढ़ने को कहा तो झट से पकड़ी जाओगी मैं। अच्छा ठीक है, जरा
पढ़कर तो बताओ छोटी पत्नी, ये शब्द और वाक्य? मुझे बॉन्देता की तरफ पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं भी तो जानू ने। मैं? मेरा मतलब है कि बात तो ये हुई ना कि तुम पढ़ नहीं पाओगी, है ना अनिरुद्ध? हाँ। मैं क्यों नहीं पढ़ पाऊंगी? अच्छे से सीखा है मैंने सब अपने विद्यालय में। जरा दिखा दो। कोई बात नहीं, और वैसे भी बॉन्देता, पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा क्या लेना देना है? मानता हूं कि मुझे पढ़ाने का शौक है, लेकिन मनोरमा, मनोरमा है ना, मैं उसे पढ़ा लूंगा। इसका पहाड़ा पूरा याद कर लिया पांडिता ने। मुझे बाहर भेजकर अब छोटी पत्नी को पढ़ाएंगे मेरे शिक्षक बाबू। वैल्यू ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का मूल्य। Without education, the training of the human mind is incomplete. Tujh mein roshan hoga suraj to dhoop bhi aayegi. Shab kaagaz par chalenge to raah tu paayegi. Teri kismat tere haathon se hi likhi. अब समझ आया, शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, शिक्षा हमारी सोच को बढ़ाती है, हमें नए आविष्कार नई चीजें बनाने की तरफ मोड़ती है। शिक्षित इंसान सिर्फ खुद का भला नहीं करता बल्कि अपने पूरे परिवार, देश और दुनिया की भलाई में काम आ सकता है, समाज को एक नई दिशा दे सकता है। एकदम सही लिखा है ना छोटी पत्नी ने? अब देखो, जब तक मैं पढ़ती नहीं थी कुएं का मेंढक थी, पर अब कितना कुछ पता है मुझे, अब मैं जानती हूँ कि हिटलर जर्मनी का शासक है, गांधी जी ने क्या उद्देश्य दिए, देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सच में शाबाशी मिलनी चाहिए छोटी पत्नी को। पर छोटी पत्नी के लिखे हुए निबंध की तारीफ क्यों कर रही है तू बॉन्देता? ऐसा करना चाहिए क्या तुझे बॉन्देता? नहीं ना, तू इतनी तारीफ करेगी तो पति बाबू तो और भी खुश हो जाएंगे छोटी पत्नी से, उन्हें तो और भी अच्छी लगेगी ना छोटी पत्नी। पर निबंध तो सच में अच्छा है, इसे पूरा याद करूंगी मैं।
अच्छे से याद हो गया मुझे। अभी जाकर पति बाबू को सुनाऊंगी शिक्षा का मूल्य वाला निबंध। इतने अच्छे से याद किया है कि एक भी चूक नहीं करूंगी, बल्कि सिर्फ याद नहीं किया है, इस निबंध को समझ भी लिया है मैंने। आज तो पति बाबू को कहना ही पड़ेगा, शाबाश बोंदता, शाबाश, ब्रावो। चल बोंदता चल। पति बाबू, पति बाबू, तस्वीर वाले बाबू किसकी तस्वीर खींचने आए हैं? आओ आओ मनोरमा आओ। अब बोंदता जरा सा उधर हटो, हटो ना। ये क्या है मनोरमा, इसे सीधी पहनो। हाँ। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। तस्वीर खींचिए, चलिए। नहीं तस्वीर वाले बाबू, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है बोंदता, कपड़े तो सही हैं, शकल शकल भी तो ठीक ही है ना बोंदता, रोशनी रोशनी भी सही दिशा से आ रही है, रोशनी ठीक है ना, सब सब तो सही है बोंदता। और जानती हो ये जो बैरिस्टर वाले कपड़े हैं, ये तुम्हारे वाले ही हैं बोंदता। याद है हमने तस्वीर खिंचवाई थी। ये वही कोट है, मनोरमा को सही से आया है ना। काफी अच्छा लग रहा है मनोरमा पे, तो तुम पर थोड़ा बड़ा लग रहा था ना, मनोरमा पे अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मनोरमा के लिए बना हो ये। चिंता मत करो बोंदता, मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े बनवाऊंगा तुम्हारे नाप का। ये वाला नहीं, वो जो रसोई घर में पहनते हैं ना बांध कर एप्रन, वो उससे क्या होगा जब तुम्हारी साड़ी गंदी नहीं होगी। ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है पति बाबू, और ये आपका नहीं है, ये मेरा है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.